मैं नार कटिया इस तरह वेख्या नहीं खादा फिर चले गए तिना घंटे बाद फिर आइए फिर इस तरह करके आसा आसा उन्होंने अपना इधर घर बनाना शुरू करता। एक ये रेडी बांध मेरे पीछे जैसा कि आप देख रहे हैं मौजूद है बुलबुल किन के साथ दोस्ती की लाजवाल दास्तान है जो उकाड़ा का इलाका रीनाला खुर्द यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ। तो घोंसला यहाँ पे बना रखा हुआ है और बकायदा तौर पर इसमें बच्चे भी उसने दिए हैं। कुछ रोज पहले एक दिन आई थी बुलबुल इतने आने के बैठी है ते मैं आगे ख्याल किया उपर मैं नार कटिया इस तरह वेख्या नहीं खादा फिर चले गए लेकिन मैंने इंतजार सी भी आएगी तिना घंटे बाद फिर आइए फिर इस तरह करके आसा आसा उन्होंने अपना इधर घर बनाना शुरू करता उन्होंने फिर अपने घर बना के बच्चे दिते ने बच्चे दे गए बाद चो इस तरह करके मैं भी उन्होंने प्यार करने लग पाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपसे ये मानूस है ये आपकी बातचीत ये समझता है बुलबुल जी? जी बिल्कुल मानते ने अभी उन्होंने मैं पसार अनार खुआया पहले अनार दाना पाया फिर उस तो बाद हूं मैं अंगूर दे दो पीस लेने वो कट के उन्होंने खुआए ने। ये छतरी को इसी तरह से आप रहने देते हैं बंद नहीं करते फिर इनकी? जी छतरी बंद नहीं होंगी मेरी इन्हों मैं रस्सियां ना बांध देना जो बारिश का मौसम होता मैं पहले रस्सियां बांध देना देख लो तुहाडे सामने चारे पासों रस्सियां बन्नी दी छतरी बंद नहीं होंगी। इस भाई का यही कहना है कि प्यार मोहब्बत से जैसे इंसानों के साथ प्यार किया जाए तो वो आपसे मानूस हो जाते हैं इसी तरह से ये बुलबुल भी प्यार की प्यासी थी और उसको प्यार मिला तो ये इनके साथ मानूस हो गया और अब इनके साथ ही ये रहती है मुश्किल इसकी वजह से ये रेडी के ऊपर अपना छाता भी इसी तरह से खुला छोड़ जाते हैं उसको बंद नहीं करते। मकसद यही है कि बुलबुल जो है उसको ये सेफ रख सके उसके लिए ये ऐसे इकदाम उठाते रहते हैं उसकी खुराक का ध्यान रखते हैं। इनका ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आते हैं और इनकी प्यार मोहब्बत की ये दास्तान देख के खुश भी होते हैं और इसको एंजॉय भी करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद आसिफ खोखर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।